जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो गांव के लोग हैं उनका काफी सारा कमेंट आया है कि गांव के एक जैसे कमेंट आया है कि गांव में कैसे तैयारी करें मैम, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भेज दीजिए, गाँव में फिजिकल की तैयारी कैसे करें, गाँव की लड़कियां पुलिस की तैयारी कैसे करें। तो ये सारे काफी कमेंट आए हैं और उनसे रिलेटेड आज इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, कि गांव के जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी गांव के लोग हैं, वो फिजिकल की तैयारी कैसे करें या फिर अपने रिटर्न की तैयारी कैसे करें, या टोटली पुलिस विभाग की या फिर कोई भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो अपना रिटर्न टेस्ट है अगर उसकी बात की जाती है, तो अगर आपके आस पास नियरेस्ट कोई कोचिंग सेंटर है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंने अभी लेटेस्ट एक वीडियो बनाया है जिसमें बुक्स के बारे में बताया है, तो आप वो बुक्स ले सकते हैं, या फिर आप उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है आप सिलेबस देख लीजिए। और अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप तो भी कमेंट कर सकती हैं कि हाँ मुझे सिलेबस नहीं पता है, तो मैं डिटेल में आपको सिलेबस बताऊंगी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने घर में खुद से ही तैयारी कर सकती हैं और अपनी जो परीक्षाएं हैं उनको दे सकती हैं। दूसरा है आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फिजिकल में क्या क्या होता है, तो उससे मैंने रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, मेरे चैनल में विजिट करके आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल है उसमें क्या क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता भी देती हूँ। एमपी पुलिस का जो स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो उसमें लॉन्ग जंप होती है, रनिंग होती है, और थ्रो होता है, गोला फेंक होता है। तो ये तीन इवेंट होते हैं जो कि अपने फिजिकल में होते हैं, तो इनके आप अपने गांव में रह करके आराम से तैयारी कर सकती हैं। धीरे धीरे आप अपनी तैयारी करते रहिए। पहले तो सबसे पहले आप अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रांग करिए और अच्छी डाइट लीजिए, और अपने बॉडी को स्ट्रांग करने के बाद अपने फिजिकल की तैयारी शुरू करिए। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, फिजिकल के बाद आता है मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल जो होता है उसमें आपके सारे बॉडी पार्ट चेक होते हैं कि आपका हाथ पैर सही है, आपका आंख सही है, आपका कान सही है, ये सारी जांचें होती है। तो ये तो आप अपने से भी समझ सकते हैं कि हाँ मेरी आंख में प्रॉब्लम है, या मेरे कान में प्रॉब्लम है, मेरे हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है। हाँ, जनरली जो दिक्कत आती है कभी कभी फ्लैट फुट की आती है, और नोकनी की प्रॉब्लम आती है, ये सारी प्रॉब्लम आती है, टैटू की प्रॉब्लम आती है, टैटू से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपके बॉडी में टैटू बना है और आपको डाउट है कि ये टैटू में मैं फिर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, वो भी आप जाके और चेक कर सकते हैं कि आपके बॉडी में किस पार्ट में कितना बड़ा टैटू है, तो आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उसके बाद आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट का आपको वेट करना है, मेरिट लिस्ट आने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ज्वाइनिंग होती है। तो ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया था, पहले ही कर दिया था, लेकिन अभी लेटेस्ट अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको कुछ उसमें जो भी है, जो चीजें मैं पहले नहीं बता पाई हूँ, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं लेकिन मैंने उसमें जानकारी नहीं दी है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी बताऊंगी। तो ये टोटल प्रोसेस होती है पुलिस भर्ती की। तो आप गांव में रह करके अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है, तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि नहीं गांव में रहकर तैयारी नहीं कर सकते। तो गांव में रहकर आप सेल्फ स्टडी से भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी, मैंने सेल्फ स्टडी से ही सिलेक्शन लिया है, और मैं कहीं जो मतलब फिजिकल के लिए भी बाहर नहीं गई थी, मैंने अपने गाँव में ही फिजिकल की तैयारी की थी। तो आप निसंकोच अपने फिजिकल की तैयारी अपने गांव में कर सकती हैं और पुलिस में भर्ती हो सकती हैं। तो आशा है कि आपको जानकारी मिल गई होगी। और एक चीज आपने पूछी थी कि क्वेश्चन बता दीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बता सकते हम कि क्या है। हाँ, हम ये कर सकते हैं आपके लिए कि जो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर है उनको हम कोशिश करेंगे कि आपको उपलब्ध कराए, ताकि आप उसको देख सके और आपको एक आइडिया मिल सके कि क्या कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे उससे किस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जीके से, उससे थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो मैं जल्द ही कोशिश करूंगी कि आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।